हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर व्हिच इज़ नोन एज नरेशन मोस्टली आप इस चैप्टर को इसके दूसरे नेम से जानते हो जिसका नाम होता है रिपोर्टेड स्पीच नाउ व्हाई इज इट कॉल्ड सो हम क्यों इसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं या नरेशन बोलते हैं अच्छा इसका एक और नाम होता है दैट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच तो आपको ये तीनों नाम पता होने चाहिए बिकॉज ऑल ऑफ देम मीन द सेम नाउ वॉट इज देयर एक्चुअल मीनिंग मतलब क्या है इनका इनका छोटा सा मतलब है कि भाई ए ने कोई बात बी को बोली थी और बी फिर सेम बात घर पे जाकर सी को यानी अपनी मम्मी को बोल रहा है ठीक है फॉर एग्जाम्पल आपने मुझसे या फिर अपने किसी टीचर से कोई भी बात सुनी और आपने वो बात जाकर रिपोर्ट करी इसको एक छोटे से फनी एग्जाम्पल से देखते हैं फॉर एग्जाम्पल से हैरी सेट टू रॉन हैरी जो है वो अपने फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड रॉन को बोलता है आई वॉन्ट टू लीव मैजिक एंड जॉइन म्यूजिक मे को छोड़ना है मैजिक मैं मैजिक नहीं सीखना चाहता अब और अब मुझे क्या ज्वाइन करना है अब मुझे ज्वाइन करना है म्यूजिक ठीक है तो ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं ठीक है और मेरे फेवरेट कैरेक्टर्स भी हैं तो इसी के थ्रू मैं आपको पूरा रिपोर्टेड स्पीच समझा दूंगी देखिए हैरी ने रॉन से बोला कि मैं चाहता हूँ कि मैं मैजिक छोड़ दूँ अब मुझसे मैजिक नहीं होता और बहुत प्रॉब्लम हो जाती हैं जब मैं मैजिक करता हूँ तो मेरे लिए भी और दूसरों के लिए भी इसलिए मैं मैजिक छोड़ना चाहता हूँ और म्यूजिक सीखना चाहता हूँ अब क्या हुआ रॉन अपने प्रोफेसर के पास जाता है रॉन प्रोफेसर को बोलेगा आई वॉन्ट टू लीव मैजिक एंड ज्वाइन म्यूजिक क्या वो सेम लाइन एज इट इज़ जो उसने हैरी से सुनी क्या वो उस चीज़ को सेम वे में जाकर बोल सकता है प्रोफेसर को अगर बोल देगा तो उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि प्रोफेसर कभी भी उसका सपोर्ट नहीं करेंगे हमको पता है तो रॉन को कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे इस सेंटेंस में कुछ ऐसा सिग्निफिकेंट चेंज चाहिए जिसकी वजह से रॉन ये बता पाए प्रोफेसर को कि यह बात मैं नहीं बोल रहा बल्कि ये बात तो मुझे हैरी ने बोली थी तो उसके लिए रॉन को क्या करना पड़ेगा सबसे पहले तो रॉन को हैरी का नाम बताना पड़ेगा यस yes, कि भाई हैरी टोल्ड रॉन ठीक है या हैरी टोल्ड मी हैरी ने मुझसे बोला अब अगर वो आई बोल देता है तो उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि आई का मतलब क्या है मैं जबकि रॉन खुद के लिए थोड़ी बोल रहा है हैरी के लिए बोल रहा है तो उसको चेंजेस करने पड़ेंगे कुछ प्रोनाउंस में अब नॉर्मल सी बात है कि हैरी ने जब उससे ये बात बोली होगी तब कुछ टाइम पीरियड मतलब पहले का होगा हम बोले पास्ट का होगा ऑफकोर्स ये बात है कि वो टाइम पीरियड खत्म हो गया होगा तो अब जब रॉन प्रोफेसर को ये बात रिपोर्ट करने जा रहा है या बताने जा रहा है तो वहां पर कुछ टेंस में भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हैरी ने तो पहले बोला था ना रॉन तो अब गया प्रोफेसर को बताने तो कुछ चेंजेस हमको टेंस रिलेटेड करने पड़ेंगे और भी कुछ सर्टेन अदर चेंजेस है जो मैं आपको चैप्टर के थ्रू बताऊंगे तो बेसिकली हमने यहाँ क्या सीखा हमने यहाँ पर सिर्फ इतना सा सीखा कि नरेशन जो चैप्टर होता है या जिसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं उसमें एक पर्सन जो है वो दूसरे को रिपोर्ट करता है और रिपोर्ट क्या करेगा जो उसने ए से सुना है ओके सो बेसिकली विल डिफाइन व्हाट आर नरेशन नरेशन आर द वर्ड्स दैट आर ट्रांसफर्ड और कन्वेड टू अ थर्ड पर्सन

रॉन को अगर किसी को यह बात नरेट करनी है कि उसके और हैरी के बीच में क्या बात हुई तो फिर उसको बहुत ध्यान से कुछ स्पेसिफिक चेंजेस करने पड़ेंगे जिसकी वजह से वो खुद ना फंस जाए अदरवाइज वो बहुत बड़ी ट्रबल में आ जाएगा तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच अब इसको कैसे समझे तो इसको हम पार्ट्स बोल देते हैं रिपोर्टेड स्पीच या नरेशन के सो वी हैव टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ रिपोर्टेड स्पीच फर्स्ट इज डायरेक्ट स्पीच एंड द सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट स्पीच तो जो डायरेक्ट स्पीच होती है वो आप डायरेक्टली कन्वे करते हो डायरेक्टली कैसे कन्वे करेंगे डायरेक्टली जैसा हैरी ने बोला एग्जैक्ट वोई का वोई लाइन ठीक है तो जब हम ऐसे लिखते हैं इनवोटेड कॉमास द कॉमा आई आई वॉन्ट टू लीव मैजिक एंड जॉइन म्यूजिक जब हम किसी के पास जाकर ऐसा नहीं बोलते उसने मुझे कहा था कि मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा तो वो मैं जो है वो बॉय अपने लिए यूज कर रहा था ना कि हमसे जब उसने बात करी तो वो हमसे लाइक हमारे लिए बोल रहा था ऐसा नहीं हुआ तो जब हम वर्ड्स में चेंजेस नहीं करते जब हम किसी भी तरीके से टेंस से रिलेटेड या फिर पर्सन से रिलेटेड चेंजेस नहीं करते वही के वही वर्ड्स सामने वाले के पास जाकर नरेट कर देते हैं उसको बोलते हैं हम डायरेक्ट नरेशन तो बच्चों इसको हमने क्या नेम दे दिया फिर डायरेक्ट क्योंकि ये बात डायरेक्ट कही गई कुछ भी चेंजेस ना करके कोई नमक मसाला नहीं लगाया इस बात में इसमें हमने डायरेक्टली बात को चेंज कर दिया बट इनडायरेक्ट चेंज जो स्पीच होता है उसमें थोड़े से चेंजेस करने पड़ते हैं जैसे मैंने बोला कि रॉन को खुद को बचाने के लिए आई को रिप्लेस करना पड़ेगा किसी और प्रोनाउन से टेंस चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हैरी तो वो बात पहले ही बोल के चला गया अब रॉन किसी और को जाकर रिपोर्ट कर रहा है तो जब हम इसको चेंज कर देंगे रिपोर्टेड स्पीच में या जब हम इसको बदल देंगे कन्वर्ट uh, कर देंगे पूरे चेंजेस करने के बाद तो जो सेंटेंस निकलेगा वो क्या होगा वो होगा हमारा इनडायरेक्ट स्पीच ठीक है ये हमने सीख लिया अब हमें एक और बात सीखनी है इस सेंटेंस के ये जो डायरेक्ट स्पीच हमने दी है इसके पार्ट्स होते हैं जो हमको पता होने चाहिए थोड़ा सा मैं यहां से ये सब साफ कर देती हूं ताकि हमें चीजें क्लियर समझ में आए देखिए फर्स्ट तो इसका ये वाला पार्ट है जहां पर हमें ये पता चल रहा है कि कौन किस से बात कर रहा है ठीक है सो so, यहाँ पर जहां पर हमें ये पता चलता है कि हु इज सेंग द कंटेंट और द मैटर टू हु जैसे यहाँ हैरी जो है वन टू से बोल रहा है या फिर हम बोल सकते हैं एक सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट से बात कर रहा है तो इस पार्ट को हैरी से लेकर रॉन तक के पार्ट को हम क्या बोल देंगे इसको हम बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब वर्ब इसीलिए बोलेंगे क्योंकि यहां पर हमें काम पता चल रहा है कि क्या हो रहा है हैरी रॉन को बोल रहा है और जो रिमेनिंग पार्ट होता है जिसमें हम बात बोलते हैं ये वाला पार्ट जो है हमारा आई वॉन्ट टू लीव मैजिक एंड ज्वाइन म्यूजिक वाला पार्ट है यह बात कन्वे हो रही है रिपोर्ट हो रही है तो इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच ओके सो यू हैव टू रिमेंबर दिस हैरी से रॉन तक सब्जेक्ट से लेकर ऑब्जेक्ट तक हमारे पास होती है रिपोर्टिंग वर्क और रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है जहाँ पर हम बात को जो बात बोली गई है जो मैसेज दिया गया है उस मैसेज को हम क्या बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच ठीक है नाउ दिस वॉज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन नरेशन क्या होता है या रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है रिपोर्टेड स्पीच में डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है और डायरेक्ट स्पीच के, के कौन कौन से होते हैं अब हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर के साथ और देखेंगे रूल्स ओके सो नाउ वील मूव फॉरवर्ड विद द चैप्टर और अब हम रूल्स सीखेंगे कि मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जाने के लिए हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है ठीक है तो रूल्स जानने से पहले मैं आपको ये चीज बता दूं कि रिपोर्टेड स्पीच जो है वो हम पूरा चैप्टर अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस पढ़ेंगे तो हमारे पास बेसिकली टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हमें बिल्कुल पे लर्न होने चाहिए क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम रूल्स अप्लाई कर पाएंगे तो सबसे पहले तो हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पता होने चाहिए कि भाई सेंटेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस नाउ द फर्स्ट टाइप इज असर्टे इसमें भी हमारे पास असोर्टिव सेंटेंस इसमें भी हमारे पास दो पार्ट्स आ जाएंगे एक अफोमेटिव और एक नेगेटिव वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वी हैव इंटेरोगेटिव इसमें भी हमारे पास दो टाइप्स आ जाएंगे एक है नो yes, क्वेश्चन no और एक है डब्ल्यू एच क्वेश्चन देन थर्ड हमारे पास इम्पेरेटिव आ जाएंगे इम्पेरेटिव में तो हमारे पास थ्री टाइप्स आ जाएंगे रिक्वेस्ट कमांड एंड ऑर्डर सॉरी रिक्वेस्ट और कमांड ऑर्डर और सजेशन देन एक्सक्लेमेटरी एंड लास्ट इज ऑप्टेटिव पूरा नहीं लिख रही हूँ मैं बट इट्स फाइन ना असर्टिव सेंटेंसेज कौन से होते हैं पहले इनका इंट्रोडक्शन देख लीजिए बहुत ब्रीफ में असर्टिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेज होंगे जहाँ पर हम इनको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं जहाँ पर हम कोई भी चीज़ बस स्टेट कर देते हैं डिक्लेयर कर देते हैं बता देते हैं तो जो नॉर्मल फुल स्टॉप सेंटेंसेज होते हैं जिसमें हमारा कोई पंक्टुएशन मार्क अदर देन फुल स्टॉप यूज़ नहीं हो रहा होता लाइक क्वेश्चन मार्क एक्सक्लेमेशन मार्क इसको हम बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस ठीक है फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ आई वॉन्ट टू ईट एन एप्पल ये एक असर्टिव सेंटेंस है एंड मैं बोलूँ आई डोंट वॉन्ट टू ईट एन एप्पल तो ये असर्टिव का ही नेगेटिव सेंटेंस है फिर हम इंटेरोगेटिव पे जाते हैं तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज वो सेंटेंसेज होते हैं जहाँ पर हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्वेश्चन जब हम पूछते हैं तो हम उसको येस नो में भी आंसर एक्सपेक्ट कर सकते हैं जैसे डू यू हैव अ पेन ओ यस आई हैव कैन आई लैंड योर बुक Sorry, कैन आई बोर योर बुक ऑफकोर्स सो अच्छा ये होगा हमारे uh, interrogative के यसनो yes, no वाले एक और होते हैं डब्ल्यू एच फैमिली के Where are you going? What are you doing? How have you been? इसमें हम response expect करते हैं कि कोई हमें जवाब देगा एक reason के साथ ठीक है देन हम इम्पेरेटिव की बात करें तो जैसे मैंने बोला इसमें रिक्वेस्ट आएगा ऑर्डर या कमांड आएगा सजेशन या एडवाइस आएगा एक्सक्लेमेटरी में हम एक्सप्रेशन बेस्ड स्टेटमेंट्स की बात करेंगे वाओ वरफुल सीन वेल प्लेड बॉयज़ वेल डन बॉयज़ ये सब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज में पढ़ेंगे जहाँ पर हम अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे होंगे उसके बाद हम ऑप्टेटिव की बात करते हैं तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेज आपने uh, मतलब हार्डली सुने होंगे बट दे आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्टेटिव सेंटेंसेज वो सेंटेंसेज होते हैं जहाँ पर हम किसी को बर्थडे विश करते हैं किसी को एनिवर्सरी विश करते हैं किसी को ब्लेसिंग्स देते हैं जैसे हमारे कल्चर में ये माना जाता है कि हमें बड़ों के एल्डर्स के फीट टच करने चाहिए ठीक है इधर ऑन ओकेजन्स और एवरी मॉर्निंग तो उसके बाद वो हमें ब्लेसिंग्स देते हैं जब वो हमें ब्लेसिंग्स देते हैं मे यू लिव लॉन्ग ओके मे यू हैव अ गुड डे और मे यू हैव अ गुड लाइफ और जब हम किसी को विश करते हैं हैप्पी बर्थडे बर्थडे कॉन्ग्रेचुलेशन हैप्पी एनिवर्सरी तो ये सब विशेज हम किसमें डालेंगे ना तो ये असर्टिव होते हैं ना इंटेरोगेटिव होते हैं ना इंपेरेटिव होते हैं तो इनके लिए एक अलग से कैटेगरी होता है चाहे हम किसी को कर्स भी देते हैं ठीक है मे यू रॉट इन हेल मे यू गो टू हेल तो ये सारे सेंटेंसेज होते हैं ये हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं इसमें हम विशेज इसमें हम ब्लेसिंग्स कर्सेज किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करना एवरीथिंग वी पुट अंडर द फिफ्थ कैटेगरी दैट इज़ द ऑप्टेटिव सेंटेंस ना इन्हीं सेंटेंसेस के बेसिस पर हम पूरा रिपोर्टेड स्पीच पढ़ेंगे बच्चों क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच में हमारे पास हर तरह का सेंटेंस आएगा तो हमें हर तरह के सेंटेंस से डील करना आना चाहिए उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना आना चाहिए तो अगर मैं फर्स्ट सेंटेंस की बात करूं असर्टिव सेंटेंस चलो सेंटेंसिस की बात करने से पहले मैं आपको रूल्स से थोड़ा सा रूबरू करा देती हूँ कि कौन कौन से रूल्स हैं जो हम रिपोर्टेड स्पीच में याद रखेंगे या फिर हर एक टाइप सेंट, ऑफ सेंटेंस के साथ वो रूल काम करेगा तो जो हमारा इनको हम बोलेंगे बच्चों जनरल रूल्स जनरल इसीलिए बोलेंगे क्योंकि ये सभी के लिए सेम होंगे और कुछ ऐसे रूल्स होंगे जो असर्टिव के साथ अलग होंगे interrogative के साथ अलग होंगे इंपेरेटिव के साथ अलग होंगे और एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव के साथ अलग होंगे तो अभी मैं आपको सिर्फ जनरल रूल्स बता रही हूं जो सभी के साथ चलेंगे और सभी के साथ सेम भी रहेंगे सो दीज आर जनरल रूल्स ओके सो द फर्स्ट रूल हमेशा जब भी हम आ, किसी भी डायरेक्ट स्पीच को या डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा फर्स्ट जो फोकस होना चाहिए वो होता है चेंज इन प्रोनाउन ठीक है मैं आपको एक एक करके समझाऊंगी कि कैसे करते हैं हम ये चेंजेस सेकंड होता है हमारा चेंज इन टेंस और थर्ड होता है हमारा चेंज change और चेंजेस रिलेटिंग टू चेंजेज रिलेटिंग टू टम एंड प्लेस ये जो हमारे चेंजेस होंगे ये हमारे सभी के साथ चलेंगे मतलब ये जनरल रूल्स में आ जाता है कि भाई चेंज इन पर्सन करना है तो असर्टिव में भी होगा इंटेरोगेटिव में भी होगा इंपेरेटिव में भी होगा एक्सक्लिमेटरी और ऑप्टेटिव में भी होगा आप एक बार ढंग से पूरे बोर्ड को देख लीजिए नाउ जब हम हर एक सेंटेंस की बात करेंगे तो मैंने जैसा बोला कि पर्सन का चेंज असर्टिव में भी करेंगे और हर मतलब पांचों सेंटेंसेस में हम लोग चेंज इन पर्सन करेंगे बट कैसे करेंगे तो एक एक करके हम पहले सारे जनरल जनरल रूल्स को सीखने की कोशिश करते हैं सो फर्स्ट इज चेंज इन प्रोनाउन चेंज इन प्रोनाउन सबसे पहले प्रोनाउन होता क्या है सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि प्रोनाउन होता क्या है तो प्रोनाउन क्या होता है प्रोनाउन कोई भी ऐसा वर्ड हो सकता है जो हमें हेल्प करता है नाउन की प्लेस पे आकर उसका रेपिटेटिव यूज़ अवॉइड करने के लिए फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी सेंटेंस बोल रही हूँ जैक इज़ अ स्मार्ट बॉय जैक नोज हाउ टू कम्प्लीट हिज वर्क ऑन टाइम जैक इज क्लेवर इनफ टू फूल एनी बॉडी एंड अर्न अ गुड सम ऑफ प्रॉफिट तो इस sentence, अगर मैंने ये दो तीन सेंटेंसेस बोले आप इसमें जैक 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 सुन के थोड़ा सा आप बोल रहे हो कि सेंटेंस में हम थोड़ा सा कम हो रहा है बार बार आप जैक 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 बोल रहे हो हम अच्छा मतलब पसंद नहीं आ रहा तो मैं क्या बोलूँगी ठीक है मैं जैक नहीं बोलती मैं उसकी जगह एक प्रोनाउन यूज़ कर लेती हूँ वो क्या होगा वो होगा ही क्योंकि बॉय के लिए हम यू ही यूज़ करते हैं तो ही शी एट दे ये हम थर्ड पर्सन के लिए यूज़ करेंगे यू हम सेकेंड पर्सन के लिए यूज़ करेंगे एंड आई एंड वी हम ऑफकोर्स फर्स्ट पर्सन के लिए यूज़ करेंगे सो चेंज इन प्रोनाउन चेंज इन प्रोनाउन हमें पढ़ना मतलब हमें सीखना तो है बट थ्रू एन एग्जाम्पल आई हेल्प यू गेट इट ही सेड टू हर आई और वी कैन राइट यू आर माई बेस्ट मेट ठीक है तुम ही मेरे सबसे अच्छे मेट हो किसने बोला ही ने बोला शी को लड़की को सो so, अब हमें इसमें चेंज इन प्रोनाउन करना आना चाहिए तो इसके लिए हम एक रूल यूज करते हैं जिसको बोलते हैं सन रूल सन का मतलब क्या होता है बच्चों एस का मतलब होता है सब्जेक्ट ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट एंड न no, एन का मतलब होता है नो no चेंज ठीक है मैम समझ गए बट इसका मतलब क्या है तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है इसी के अकॉर्डिंग हमारा रिपोर्टेड स्पीच चेंज होता है कैसे होगा जब मैं बोलूंगी आपको कि आप अपने रिपोर्टेड स्पीच को देखिए यू आर माई बेस्ट मेट तो यहाँ पर यू जो है वो किसको सिग्निफाई कर रहा है क्योंकि ही ने शी को बोला मतलब किसी बॉय ने किसी गर्ल को बोला हम यहां नेम दे देते हैं बेटर रहेगा जैसे जैक ने पर्ल को बोला ठीक है थोड़ा सा भी कन्वीनियंट हो जाएगा तो जैक इज अ बॉय वी नो एंड पर्ल इज अ गर्ल तो हमें ये तीनों जो हमारे आ, रूल्स के मेन मैटर्स हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इसको अभी छोड़ दीजिए तो हमें सब्जेक्ट ढूंढना है तो हमारे रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट क्या है जैक रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट क्या है पर्ल तो जब हमारी रिपोर्टेड स्पीच चेंज होती है तो वो इन्हीं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की थ्रू होती है और जब मैंने नो no चेंज लिखा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर थर्ड पर्सन में रिपोर्टेड स्पीच में कुछ भी आएगा तो वो थर्ड पर्सन में वो चेंज नहीं होगा अगर फर्स्ट पर्सन में कुछ भी आता है यहाँ पर आई लिखते तो ही से रिलेटेड कुछ आता अगर हम यहाँ पर यू लिख रहे हैं सेकेंड पर्सन की बात कर रहे हैं तो वो चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग द फर्स्ट पर्सन इतना ध्यान रखिए लेफ्ट हैंड साइड वाले लेफ्ट साइड के अकॉर्डिंग रहेंगे और राइट right साइड वाले राइट right साइड के अकॉर्डिंग चलेंगे तो जो हमारा राइट right साइड वाला फर्स्ट यहाँ पर वन टू थ्री का मतलब है फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन तो जब हमारा फर्स्ट पर्सन अगर हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में है नहीं है इग्नोर सेकेंड पर्सन ठीक है आगे आगे दिख रहा है यू सेकेंड पर्सन यू होता है तो यू चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट क्या है यहां पर पर्ल पर्ल हमें पता है लड़की है तो हमें उसी के लिए उसका सब्जेक्टिव केस यूज करना पड़ेगा तो हम सिर्फ यहां से लेकर यहां तक का पार्ट चेंज करेंगे यू आर माई बेस्ट मेट के लिए तो यू की जगह हमें पर्ल का कोई सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा दैट इज शी अब आर को हम देखेंगे टेंस के अकॉर्डिंग छोड़ देते हैं यहां पर लिख देती हूँ मैं शी आर माई बेस्ट मेट माए अगेन हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव एजेक्टिव है प्रोनाउन नहीं है पॉजिटिव एजेक्टिव है इसको भी हमको चेंज करना पड़ेगा किस में अब माए क्या है फर्स्ट पोर्सन है तो फर्स्ट पर्सन जैक है तो जैक के ही सब्जेक्टिव केस में हम माए को चेंज करेंगे जो कि क्या हो जाएगा हिज ठीक है वो खुद के लिए बोल रहा है तो जब वो खुद के लिए बोल रहा है जैक तो यहां पर वो हिज यूज करेगा क्योंकि वो एक बॉय है तो हम इसको कैसे बोलेंगे अभी हम इसका टेंस वगैरह कुछ चेंज नहीं कर रहे जैक सेट टू पर्ल शी, आर को छोड़ दो अभी टेंस को छोड़ दो शी, आर, और शी हम टेंथ कर देते हैं चेंज वॉज हिज बेस्ट मेट ठीक है रिपोर्टेड स्पीच चेंज हो गई शी इज वॉज हिज बेस्ट मेट ठीक है चलो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं आई वॉन्ट टू you a फेव मुझे तुमसे कुछ काम है आस्क यू मेरे को तुमसे कुछ काम करवाना है या मुझे तुमसे कुछ चाहिए तो चार्ली किसको बोलता है मुझे बोलता है अब यहाँ पे चार्ली बॉय है हमें पता है तो जब मैंने बोला चार्ली सेट टू मी आई वॉन्ट टू आस्क यू अ फेवर मैंने मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए और आई वॉन्ट टू इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं सो दैट इट्स ईजी चार्ली सेट टू मी आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग ठीक है आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग ऐसे लिखते हैं अब देखिए चार्ली ने मुझे बोला दैट आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग जब उसने बोला आई वॉन्ट टू तो उसका मतलब वो खुद के लिए बोल रहा था और क्योंकि वो एक बॉय है तो हमें आई वाले प्रोनाउन को बॉय के अकॉर्डिंग ही चेंज करना पड़ेगा तो हम आई की जगह पे क्या लिखेंगे हम आई की जगह पे ही लिखेंगे सब्जेक्टिव केस है तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही यूज आएगा ऑब्जेक्टिव केस होता तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज होता अगर यहाँ पर आई की जगह मी होता तो हम ही की जगह हिम लिख देते ठीक है वॉन्ट टू आस्क यू अब ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर यू जो है वो क्योंकि यू हमें बहुत कन्फ्यूज़ करता है सब्जेक्टिव केस भी यू होता है ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है तो यहाँ पर तो मेरे लिए बहुत ईजी है क्योंकि मी है तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली मी लिख सकती हूँ लेकिन अगर मैं यहाँ पर कोई बॉय का या गर्ल का नाम लिख देती तो आप उसी का ऑब्जेक्टिव केस यूज करते जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर मी को हटा के जिनी कर दिया होता तो आप यहाँ पे आ, मी को हटा के हर कर देते चार्ली सेट टू जिनी ही वॉन्टेड हो जाएगा वॉन्ट का वॉन्टेड टू आस्क हर समथिंग ठीक है ये है हमारा चेंज इन पर्सन अच्छा नो uh, चेंज no वाला एक एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ बोल के माई मदर सेट टू मी गिव देम बुक्स तो आप इसका ऑब्जेक्टिव क्या करोगे सोच के आप मुझे नेक्स्ट वीडियो में बताओगे सो so, आज के लिए मैं ये वीडियो यहीं पर स्टॉप कर रही हूँ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे चेंज इन टेंस एंड चेंजिंग इन रिलेटिंग टू टाइम एंड पर्सन और फिर हम इन सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग भी देखेंगे ओके टिल देन कीप लर्निंग कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप ग्रोइंग स्टूडेंट्स